मैंने कब कपड़े आपके गंदे किए, मैंने तो किए नहीं, आप गंदे कर रही हो कपड़े, ये देखो ये लड़ाई नहीं की, करो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे, आप लोग जा रहे हैं, खुश रहे हैं, बाद रहे हैं, हंसते मुस्कराते रहें और अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियों से नवाजे। तो व्यूवर्स, आज मैं अपनी भांजी के साथ, मेरी आज लड़ाई हो रही है उनके साथ, फाइटिंग, बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है और उसने मुझे क्या क्या जवाब देने हैं, आपने आज उनकी बातें सुननी है। बहुत लड़ाई करती है मेरे साथ, अगर मूड अच्छा होता है तो मेरे पास पास होती है, अगर मूड ख़राब हो जाए उसका तो फिर उसने मुझे इतने जवाब देने होते हैं, उल्ट उल्ट जवाब देती है वो। तो ये छोटा सा मेरा भांजा है, वो भी मेरे पास आया है, ये दोनों बहन भाई हैं। तो ये देखिए इनका प्यार, पलुशा ये आपका भाई है? नहीं, आपका भाई है। ये मेरा तो बेटा है, आपका भाई है? ये आपका है। मेरा है? तो ये दोनों बहन भाई हैं। तो देख लिए आपने, अब इनकी जो बातें होंगी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों ने इस व्लॉग को खूब एंजॉय करना है कि ये छोटी सी बच्ची अभी 3 साल की है, तो अभी इसका स्कूल में हमने एडमिशन भी नहीं करवाया, हमने कहा 4 साल की हो जाए तो इसका एडमिशन करवाएंगे। तो और सुनाएं सब कैसे हैं और सबके चैनल कैसे जा रहे हैं? तो व्यूवर्स प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया करें, कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का अगर आप मुझे सपोर्ट कर देंगे, पर आप लोग तो मुझे सपोर्ट करते ही नहीं हैं, पता नहीं आप लोगों को क्या नाराज़गी है मेरे साथ। मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि अगर 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो फिर वो गिर भी जाते हैं, तो ऐसे ना करें आप लोग मेरे साथ और मुझे दें सपोर्ट, अपनी बहनों को सपोर्ट, आपकी सपोर्ट से ही मेरा दिल बनेगा और मैं आगे बढ़ूंगी। अगर ऐसे करेंगे आप लोग तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा, मैं कहूंगी कि नहीं जी मैं अपने चैनल को छोड़ दूँ, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे तो शायद इस पर मैं काम करूँ। तो आगे जो मेरे साथ, ये मैंने आपको पहले कहा कि आज का व्लॉग मेरा मेरी भांजी के साथ फाइटिंग का हो रहा है और क्या क्या जवाब देती है ये मुझे, वो आप लोगों ने एंजॉय करने हैं और बस यही मेरी वीडियो है, आगे की वीडियो एंजॉय करें। मैंने कब कपड़े आपके गंदे किए, मैंने तो किए नहीं, आप गंदे कर रही हो कपड़े, ये देखो ये भाई का कपड़े धोए थे तो आप गंदे क्यों कर रही हो? तो आप उठाओ ना नीचे से, ये गंदे हो रहे हैं। मैं क्यों लगे तो अब क्या करने लगी हो आप? ये पकड़े और मैं अपने भाई के पकड़े लखी नहीं डाला, ये गंदे हो रहे हैं, आप नीचे रख रही हो तो आपकी मामा आपको क्या कहती है? तुझे मैं तुझे मारूंगी। मुझे क्यों मारोगी, मैंने कुछ कहा है आपको? मैंने मम्मा को भी दोनों बहनों को मारे। वो मेरी बहन है? हाँ? मेरी तो कोई बहन नहीं है। वो आपके बहन को मारने, मैंने मेरी बहन नहीं है वो। मैंने कहा मारने, तुझे तो मैं ही मारूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं आपका भाई ले लूंगी ना, तो आप चलें। आप कैसे लेके जाएंगी वो? तो मैं अपनी मम्मा की देखो चली करने है, मैंने ना आपके कपड़े लाने, तो आप मेरे कपड़े तो ना गंदे करो। मेरे मम्मा की जो है पकड़े डब छाती गंदे से आपकी मम्मा के कपड़े हैं, आपके भी मम्मा के गंदे हैं। चलो ठीक है, बस मम्मा ये देखो मैंने आपके पकड़े अच्छी गाल है। नानो कहती मैं हमारे घर नहीं आना, अपने घर ही रहो गोजरे में। मम्मा ने नानो के घर इठाई ते तले जाना, फिर आपने गोजरे नहीं जाना? नहीं। क्यों? फिर मैं अपने काके ने आपके बुन्नी के टांगे मार लेना, मैं टांगे मार लेना चल बुन्नी के,
आप कितनी गंदी बच्ची हैं और कितनी खराब बातें करती हैं आप। क्यों गंदे बातें तू ही हो ना? मैं क्यों हूँ गंदी बच्ची? क्यों मैं क्यों गंदी हो आप? बुरी बात होती है मम्मा। ते बंद करें, ये देखो ये मेरा काका। हाँ ये लो काके, काका भी विंगा ही रहता हर वेले। हाँ जी, ओए 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 ओए। आप ना करें सुला मेरे साथ। आप देख, आप गंदे बच्चे हैं ना। मैं क्यों गंदी बच्ची हूँ? दफा हो जाए आप, हमारे घर से निकल जाए बाहर। ओए मेरे शहजादे बेटे, ओए माँ चकर दे। बिस्मिल्ला 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 बिस्मिल्ला। तो व्यूअर्स ये थी पल्लविशा, जो मेरी भांजी मुझसे इसने लड़ाई की है। आज आपने देखना है व्लॉग, और ज़बरदस्त व्लॉग है इसकी लड़ाई का मेरे साथ। और ये है इनका क्यूट सा भाई, ये इनकी बहन है। तो मेहमान आए हुए हैं मेरे पास, लेकिन इसकी बहन ना जो बहुत तेज़ है, अभी 3 साल की है, लेकिन बातें इतनी करती है। इसलिए मैंने इसका आज का व्लॉग बनाया है कि आप इनकी बातें सुनें। आगे भी जो मेरे साथ करेगी मैं आपको साथ शेयर करूंगी। पहले मैं ये छोटे से क्यूट से बेबी को दूध पिला दूं, और ये कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा, ये देखो भूख लगी हुई है इसको, फिर उसकी बातें मैं आपको सुना। खा रही हो चीनी? खा रही हो? अभी तो आप मेरे साथ लड़ाई कर रही थी। अच्छा मैं आपको फिर ला दूंगी। क्या ला के दोगी? पहले मुझे सॉरी करो कि आप मेरे साथ फिर लड़ाई नहीं की। करो सॉरी। सॉरी। कान पकड़ के सॉरी करो। सॉरी। दोनों कान पकड़ो। सॉरी। चलो ठीक है, अब तो नहीं है ना मेरे साथ लड़ाई करोगी। काका भी आपका जान होगी। काका तो है ही मेरी जान। ये देखो अब आप मेरे साथ लड़ाई तो नहीं करोगी? नहीं। चलो ठीक, सॉरी कहो के व्यूअर्स सॉरी। व्यूअर्स सॉरी। मैंने आप कहे ना, मैंने आंटी से सॉरी कर ली है। बहुत तेज बच्ची है ये, बहुत ही तेज बच्ची है। मम्मा किचन में क्या कर रही है? किससे बात कर रही है? मेरे पापा से बात कर रही। आपके पापा से? आपके पापा फारग ही रहते हैं बात करने को? नहीं, मेरे पापा जॉब पे से बात करते हैं। आपके पापा जॉब क्या करते हैं? जॉब पे हांडी पकाते हैं। इसकी बातें सुनिए। आपके बाबा तो शूज का काम करते हैं, और आप कहती हैं हांडी बनाता है। शूज के काम कर रहे हैं। चले जी, ये देखे व्यूअर्स इसकी बातें आपने सुनी ली होंगी। ये इसी तरह की क्यूट सी बातें करती है, और रोज मेरे साथ इसी तरह ये लड़ाई करती है। तो आज मैंने कहा चले जी इसका मैंने व्लॉग बना ही लेना है, और आप लोगों के साथ शेयर करना है कि ये देखो इसकी बातें। और ये गुनगुना सा रोज मुझे तंग करने लग गया है। ये देखो इसका दूध निकला। बुरहान क्यों तंग करते हो मुझे? तुम क्यों तंग करने लग गए हो मुझे? आए अभी भी पेट नहीं भरा इसका। तो फ्रेंड हम करने लगे थे नाश्ता, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो आज हमने बनाया था साग, और आपको पता है कि साग का टेस्ट कितना मज़े का होता है, और सभी बहुत शौक से खाते हैं। और शहर में तो ये एक सौगात ही माना जाता है। गांव वालों तो खैर इसको पसंद नहीं करते, वो कहते हैं जी ये तो सस्ती सब्ज़ी। मैं कहती हूँ ये महंगी सब्ज़ी है बहुत। तो साग सस्ता होगा लेकिन बनाना बहुत मुश्किल काम है ये। तो ये आज हमने बनाया है, और बहुत मज़े का बना है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखे जी, ये है जी दही, और ये साग हमने पूरा बॉईल जितना पड़ा था वो ही गर्म कर लिया। तो इसी के साथ सभी खा लेंगे। तो
तो ये देखे जी, ये इसके खाने का अंदाज देखे। ये लो और ये देखे हमारा काका जाता है, उसने हर 5 मिनट बाद रोना शुरू कर देना है। जितना मर्जी आप उसको कहें कि बहला ले, फीडर पर ला ले, नहीं, उसने कहना कि मामा की गोद में जाए। तो बस ये उसका काम है। मामा का खाना भी ये देखिए इसने मुश्किल किया हुआ है, देख रहे हैं। अभी बहुत छोटा सा है, सिर्फ 2 माह का है, तो बहुत छोटा है, बहुत तंग करता है, ज़्यादा कहता है मामा की गोद हो या झूला हो। तो जी हम नाश्ता कर लें और बाकी की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वही करेंगे जो फाइटिंग की है, जो मैंने आपको बताई है।